देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर। हाँ देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या था, डिफरेंशियल राइट्स, ठीक है, तो वो तो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये वैल्यूएशंस एक चैप्टर है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, इसका कुछ क्वेश्चंस है, ये मैट से जो है हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है, ये एक क्लास में मैंने बता दिया था तुम लोगों को कि कितने तरीके का वैल्यूएशन होता है, ठीक है, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। ये देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है, इस पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बाद। ये देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, इसके कितने सारे मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम लोगों ने एक पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एक पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जिसमें दो तरह का था। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट इसमें दो तरह का आ जाता है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट और एक होता है सुपर प्रॉफिट, और एक एन्युइटी मेथड था, ठीक है, एक एन्युइटी मेथड। अच्छा तो अब देखो मेथड्स तो मैंने बता दिया था, तो हम एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ से करवा रहे हैं, और अगर मतलब एक बार करके मेथड भी बताते जाएंगे क्वेश्चन के साथ साथ, तो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 12 पहले करेंगे। ए फर्म हैज ए टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,25,000। द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स 35, 40, 60, 50,000। बोल रहा है एक फर्म ने टोटल बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ है 2,25,000, और लास्ट 4 ईयर्स का जो प्रॉफिट है वो कुछ इतना है। द फेयर रिटर्न ऑन नेट कैपिटल इंप्लॉयड इज 15%। मतलब नॉर्मली जो भी ये बिजनेस करता है उनका रिटर्न कितना रहता है इस बिजनेस में, 15%। अब 15% आउट ऑफ 100 बोल रहा है, अब जो जितना लगाएगा उस पे 15%, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। हमें कैसे गुडविल कैलकुलेट करना है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या था, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। मतलब नॉर्मल लोग कितना कमाएंगे, जिनका गुडविल होता है ना वो ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। नॉर्मल लोग कितना कमाएंगे और जिनका गुडविल है वो कितना एक्स्ट्रा कमा रहे, जो एक्स्ट्रा कमा रहे वही होता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। याद आ रहा है, सेम सेक्टर में रह के अगर कोई किसी और से ज्यादा कमाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उसका सुपर प्रॉफिट, ठीक है। पास्ट 4 ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसका सुपर प्रॉफिट निकालना है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो जिस फर्म का बात किया गया है, उनका पिछला 4 साल का प्रॉफिट हम लोग को दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि जो फर्म का बात किया गया है उनके पिछले 4 साल का प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं इलस्ट्रेशन 12, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो यहां पर लिखते हैं ईयर प्रॉफिट, ठीक है। ईयर में क्या, एक सेकेंड, ईयर में क्या क्या आ रहा है, 2000, अच्छा ईयर कुछ बताया नहीं, लास्ट 4 ईयर्स बोला है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और प्रॉफिट कितना कितना है, 35, 40, 60, 50, 35, 40, 60 और 50, ठीक है। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, 35,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000, 1,85,000, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, देखो 1,85,000 जो है टोटल प्रॉफिट कमाया गया है 4 साल में, ठीक है। अभी हम लोग को क्या निकालना चाहिए, इसके बाद का स्टेप होता है, हम लोग को निकालना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। क्यों एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना, तो 4 साल का अलग अलग प्रॉफिट से तो नहीं कंपेयर कर सकते, तो हम लोग एवरेज कर लेते हैं। 1,85,000 डिवाइडेड बाई 4, इससे हम लोग को एवरेज प्रॉफिट मिल गया। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो फर्म है ये ईयरली 46,250 रुपीज जो है पर मंथ बोल रहे पर एनम कमा लेती है, ठीक है। मतलब इनका एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल लिया कि ये जो है 46,250 कमाती है इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में वो काम कर रही है, ठीक है। और नॉर्मली इन्होंने कितना पैसा लगा रखा है बिजनेस में, ये देखो इन्होंने बिजनेस में 2,25,000 लगाया और उसके बाद इतना 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 कमाया है, ठीक है। तो 2,25,000 जो इन्होंने बिजनेस में लगाया है इसमें मार्केट रिटर्न 15% है। मार्केट रिटर्न का मतलब है कि नॉर्मली किसी को भी इस सेक्टर में जो रिटर्न मिलेगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नॉर्मल रिटर्न या फिर फेयर वैल्यू रिटर्न लिख सकते हो, नॉर्मल रिटर्न या फिर फेयर वैल्यू रिटर्न, फेयर वैल्यू रिटर्न कितना है, कितना पैसा लगाया है, 2,25,000 लगाया, ठीक है। 2,25,000 इंटू 15%, तो नॉर्मली अगर कोई 2,25,000 लगाएगा तो मार्केट रिटर्न के हिसाब से कितना अर्न कर सकता है, ठीक है। जो ये रिटर्न लगाने से क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। तो रिटर्न हो सकता है 33,750, ठीक है। इतना अर्न कर सकता है पर एनम, क्योंकि ये 15% पर एनम है। तो अगर हम लोग कैपिटल पे नॉर्मल रिटर्न लगाते हैं तो 33,750 अर्न होना चाहिए, जबकि इनको अर्न हो रहा है 46,250, यानी एक्स्ट्रा कमा रहे, इनका गुडविल है इसीलिए, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को यहाँ पर बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो ये कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 46,250 माइनस 33,750, 46,250, तो ये हो गया 12,500, ठीक है। तो ये कितना कमा रहे, सुपर प्रॉफिट 12,500 पर एनम, एक्स्ट्रा इतना कमा रहे, ठीक है। अभी हम लोग को किस हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हम लोग को बोला है कि वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 इयर्स। तो हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट पास्ट 4 इयर्स का निकाल लिया बेसिस पे, ठीक है। तो गुडविल इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये पिछले कितने टाइम के लिए देख सकते हैं, इसको बोला जाता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज, है ना। नंबर ऑफ इयर परचेज का मतलब होता है कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमा रहे ये आगे कितने साल, फ्यूचर में ये चीज ये कितने साल तक दिख रहा है इनको कि ऐसा चल सकता है, तो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इयर परचेज, जिसको यहाँ पर बोला गया है ये देखो 3 इयर्स परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ इयर परचेज कितना हो गया 3, तो इसमें आंसर कितना आ रहा है गुडविल का इंटू 3, 37,500, ठीक है। ये हम लोग का गुडविल का आंसर आ जाएगा, चेक कर लो, ये देखो 37,500, ये हो गया पहला आंसर, ठीक है। अच्छा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला है, देखो इसमें बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म 48,000, यहाँ एवरेज प्रॉफिट दे ही दिया है, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 12%, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब है 100 रुपीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके 12 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इस लैंग्वेज का मतलब। एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 4,00,000 and 1,70,000, ठीक है। लाइबिलिटीज जो है 4 लाख और 1,70,000 है, हम लोग को कैलकुलेट करना है गुडविल, बोला नहीं कैलकुलेट गुडविल, इसी चैप्टर के अंदर है तो हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हमारा ये मेथड इसके अंदर आ रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर देखो हम लोग को क्या क्या बताया इंफॉर्मेशन में, ये देखो यहाँ पर हमें बोल रहा है नॉर्मल ये रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन जो भी दिया हुआ है ये लिख लेते हैं, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ट्वेल्व परसेंट पर एनम, ठीक है। अच्छा और जो एवरेज प्रॉफिट है 48,000,
एवरेज प्रॉफिट 48,000, ठीक है. अच्छा, और यहाँ पर एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 4,01,70,000, ठीक है. एसेट एंड लाइबिलिटीज इक्वल टू 4,01,70,000. हम लोग को क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ जो है हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है और उससे हमें गुडविल निकालना है. तो यहाँ पर कैपिटल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके गुडविल लगाएंगे, ठीक है, मतलब गुडविल वैल्यूएशन करेंगे. कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 12% जो है नॉर्मल रिटर्न है, ठीक है, नॉर्मल रिटर्न है 12% और इन्होंने कमाया है 48,000. जो पर्टिकुलर फर्म का बात हो रहा है उन्होंने 48,000 कमाया है, ठीक है. तो 12% रिटर्न के हिसाब से 48,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा लोगों को, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, मतलब ये तो कंपेरिजन होता है ना कि सेम सेक्टर में कोई ज्यादा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, उसके हमेशा नॉर्मल चीजों को कैलकुलेट करना पड़ता है कि नॉर्मल लोग क्या कर सकते हैं और इन्होंने क्या किया है, ठीक है. इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होगा तभी तो गुडविल है. तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालेंगे. ये कैसे पॉसिबल है, यूनिटरी मेथड करके. जैसे देखो 12 रुपीज प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हम लोग 100 रुपीज कैपिटल लगाते हैं, ये बेस हो गया, ठीक है. 100 रुपीज कैपिटल लगाते हैं, 1 रुपीज प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 100/12 रुपीज का कैपिटल लगाना पड़ेगा और 48,000 रुपीज का अगर किसी को प्रॉफिट कमाना है तो इनको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है. तो ये हो गया हम लोग का 48,000 into 100 divided by 12, ठीक है. तो ये कितना आ रहा है, 4 लाख. मतलब अगर किसी को इस सेक्टर में 48,000 कमाना है तो 4 लाख लगाना पड़ेगा, ठीक है. ये हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट के थ्रू से कैपिटल वैल्यू निकाला, प्रॉफिट को यूज करके कैपिटल वैल्यू निकाला, इसको बेसिस मान के. अब ये देखना है, ये तो नॉर्मल लोगों का काम हो गया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मल रिटर्न से इसे कंपेयर किया कि नॉर्मली मार्केट में कोई भी 100 रुपए लगाएगा तो इस बिजनेस में 12 रुपए कमा लेगा. तो अगर कोई 48,000 कमा रहा है इस बिजनेस में तो उसने नॉर्मली कितना कैपिटल लगाया होगा, 4 लाख. लेकिन इन्होंने कितना कैपिटल लगाए वो कैसे कैलकुलेट करोगे, इनका एसेट लाइबिलिटीज हमें गिवन है. तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कैपिटल वैल्यू ऑफ दिस फर्म, कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट होगा. देखो जब भी हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा एसेट माइनस लाइबिलिटी. हम बता देते हैं लॉजिकली ये ऐसा क्यों हो रहा है. ये देखो एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है. एसेट और लाइबिलिटी इक्वल नहीं दिया हुआ है क्योंकि टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी होता है, लेकिन एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है. इसका मतलब लाइबिलिटी में कुछ तो एक मिसिंग है. क्या मिसिंग होगा, मतलब ये कौन सा लाइबिलिटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हम लोगों का आउटसाइडर लाइबिलिटी. क्वेश्चन में बोले या ना बोले, देखो बैलेंस शीट का दोनों साइड तो बराबर होता है ना. ये देखो बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर होते हैं. हमें यहाँ पर एसेट बोला है 4 लाख, तो हम लोग इसमें 4 लाख लिख लेते हैं, ठीक है. और यहाँ भी फिर हम लोग का कितना होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए. लेकिन हम लोग को लाइबिलिटी कितना बोल रखा है, 1,70,000 कम बोल रखा है, ठीक है. तो इसका मतलब ये कौन सा बोल रखा है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज. जैसे कि मान लो बाहर वाले को जो भी पे करना होता है, जैसे क्रेडिटर हो गया, कोई लोन हो गया, ये सब. मतलब एक्चुअली इसमें इंक्लूडेड क्या नहीं है, जो हम लोग का एसेट साइड होता है उसमें मेन पार्ट दो ही होता है, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट, ठीक है. फिक्स्ड एसेट करंट एसेट, ये क्या होता है, यहाँ पर होता है 3 पार्ट. कैपिटल हम लोग नॉर्मली बोलते हैं यहाँ पर करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी. लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी के अलावा भी एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, दैट इज कैपिटल, ठीक है. तो एक्चुअली ये हमें वो आउटसाइडर लाइबिलिटी दे रखा है. कैपिटल मतलब क्या, कैपिटल मतलब है पार्टनर लोगों का लाइबिलिटी, ठीक है. अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर जो हम लोग का कंपनी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल का बात होगा. तो यहाँ पर ये कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये 4 लाख से 1,70,000 माइनस करने से हमें पता चल जाएगा कि कैपिटल कितना है. तो कभी भी अगर ऐसे दिया हुआ रहे तो ये आउटसाइडर लाइबिलिटी कंसीडर किया जाता है. तो यहाँ पर हो गया 4 लाख माइनस 1,70,000, तो कैपिटल कितना हो जाएगा, 4 लाख से 1,70,000 माइनस करेंगे 2,30,000, ठीक है. इसका मतलब इनका लगाया गया कैपिटल है 2,30,000 जबकि बाकी लोगों को ये कमाने के लिए 4 लाख लगाना पड़ेगा, है ना. ये देखो यहाँ पर भी वही किया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं. 2,30,000, मेरा माइनस गलत नहीं, ठीक तो है.
अच्छा यहाँ पर ये यह रहा, ठीक है, मतलब यहाँ पर गुडविल अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो गुडविल यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड से कर रहे हैं ना, मतलब अगर 48,000 प्रॉफिट कमाना है तो बाकी लोगों को जहाँ 4 लाख लगाना पड़ेगा, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है इनको बस 2,30,000 लगाने से ही इनका हो जाता है, ठीक है। मतलब जितना कम ये लगा रहे हैं उतना ही इनका ये गुडविल है, गुडविल के वजह से हो रहा है। मतलब 2,30,000 मान लो मेरा बिजनेस में, मुझे अगर ये सेम बिजनेस करना है इनके जैसा, मुझे लगाना पड़ेगा 4 लाख अगर मुझे 48,000 चाहिए, लेकिन ये काम ये लोग 2,30,000 लगा के ही कर लेंगे क्योंकि इनके बिजनेस में इनका गुडविल है। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू से बोला है, तो 4 लाख जहां पर लोग लगा रहे हैं वहां पर 2,30,000 से ही काम हो जा रहा है। इसका मतलब जितना कम ये लगा रहे उतना इनके गुडविल के वजह से सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इनका गुडविल कितना हो गया, 1,70,000 लोगों को ये 1,70,000 कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है जो कि ये इनका गुडविल से हो रहा है। 1,70,000 जो है ये इनका गुडविल का वैल्यूएशन हो जाए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड, इलस्ट्रेशन 11। अच्छा इसके बाद इलस्ट्रेशन 10 जो है इसमें शेयर वाला है, ठीक है। तो शेयर वाला तो मैंने बताया नहीं था, तो आज हम बताएंगे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में कैसे करके क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका रूल्स पता कर लेते हैं, एक बार हम रूल्स लिखवा देते हैं, जैसे हम लोगों ने गुडविल का लिखा था तो इसका भी लिख लेते हैं। अच्छा तो शेयर्स का रूल्स लिखना पड़ेगा हम लोग को, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। सबसे पहला बात है कि शेयर का वैल्यूएशन कब करना पड़ता है, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है, ठीक है। जब कोई कंपनी एमलगमेट होता है, दो कंपनी, ठीक है, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ जब जुड़ती है तो फिर उसमें क्या होता है, शेयर का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो या फिर मान लो कोई लोन जो है शेयर को एज अ सिक्योरिटी रख के लोन लिया जा रहा है तब भी शेयर का वैल्यूएशन किया जाता है। तो हम एक बार लिख देते हैं पर्पस ऑफ वैल्यूएशन में क्या क्या आ सकता है, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्यों शेयर का वैल्यूएशन किया जाता है। पहला, फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एमलगमेशन स्कीम। एमलगमेशन का मतलब होता है दो कंपनी जब एक साथ जुड़ के काम करती है, ठीक है, एमलगमेशन स्कीम। फिर सेकेंड हो जाएगा फॉर परचेज ऑफ ए ब्लॉक ऑफ शेयर्स विच मे और मे नॉट गिव द होल्डर देयर ऑफ ए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन कंपनी। फॉर परचेज ऑफ ए ब्लॉक ऑफ शेयर्स विच मे और मे नॉट गिव द होल्डर देयर ऑफ अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन कंपनी। अगर ब्लॉक ऑफ शेयर्स परचेज करें तो उस केस में भी हमें शेयर का वैल्यूएशन करना पड़ता है, बस इतना याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में लिखते हैं परचेज ऑफ शेयर्स by employees of company where the relation of such share is limited to the period of their employment, ठीक है।
अगर कोई इम्प्लॉय को शेयर परचेस करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन ये रिलेशन शेयर के साथ उनका रिलेशन तब तक ही रहेगा जब तक वो उस कंपनी में काम कर रहे होंगे, तब शेयर का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। दूसरा सॉरी दूसरा नहीं फोर्थ नंबर एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स लिखा ही है अंडर अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन जब होता है कोई भी कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंपनी का मान लो हालत खराब है तो कंपनी क्या कर सकती है, अपील कर सकती है कि कंपनी को थोड़ा सा अगर हेल्प किया जाए तो कंपनी आगे जो है वो मतलब जो है आगे सर्वाइव कर सकती है। तो इसके लिए बहुत सारा लीगल प्रोसेस होता है, अगर लगता है कि हाँ इस कंपनी को सर्वाइव करवाना चाहिए तो फिर इसको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ना, मतलब सपोर्ट कंपनी क्या मांगती है, अपने क्रेडिटर को बोलती है कि आपको अगर 100 रुपए मिलेगा तो आप 20 में ही खुश हो जाओ। ठीक है, मतलब क्या होता है ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो भी लाइबिलिटी है कंपनी का, कंपनी चाहती है कि जितना लाइबिलिटी उनका कम हो जाए, तो कंपनी अपने क्रेडिटर को जाके बोलेगी अगर आपको 100 मिल रहा है आप 20 लेके खुश हो जाओ। अब क्रेडिटर क्यों खुश होगा, क्योंकि क्रेडिटर को पता है ये कंपनी बंद हो जाएगी तो मुझे तो 100 भी नहीं मिलने वाला, कम से कम 20 तो मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे बोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, तब शेयर का वैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि शेयर का वैल्यू भी चेंज किया जाता है। शेयर का पैसा लेना एक लाइबिलिटी होता है, तभी तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे मान लो इक्विटी शेयर होल्डर से हम लोगों ने 10-10 रुपए ले रखे पर शेयर पे, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन पे बोलेंगे कि ये मान लो कि तुम लोगों ने 2 रुपए दिया मुझे और भी 8 रुपए दो। मतलब ऐसा अलग अलग स्कीम होता है, तो ये ऐसा नहीं कि कंपनी बोल रही है तो सभी को मानना पड़ेगा, ये एक लीगल प्रोसेस होता है। ठीक है, एक के बाद एक प्रोसेस होता है जहां पर अगर हमें पॉजिटिव साइन मिलता है तब जाके जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो जब ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है ऑन दैट मोमेंट जो है शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। और ये फिफ्थ नंबर लिखेंगे एडवांसिंग ए लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ शेयर। शेयर को एज अ सिक्योरिटी रख के जब लोन दिया जाता है, ठीक है, तब शेयर का वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, ये तो जस्ट कुछ मतलब रीजंस थे कि कब शेयर का वैल्यूएशन किया जाता है, नॉर्मल जस्ट रीड करने के लिए। अब हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा कि शेयर वैल्यूएशन में हमें क्या क्या मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग मेथड है, हम लिखवाते हैं। सबसे पहला मेथड होता है एसेट बैकिंग मेथड, या फिर इसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और बुक वैल्यू मेथड। ठीक है, पहला मेथड लिखवा रहे हैं हम। पहले मेथड का नाम है एसेट बैकिंग, या फिर इसको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, या फिर इसको बुक वैल्यू मेथड बोला जाता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इसका पहला अप्रोच, ठीक है, इफ ऑल इक्विटी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप एंड ऑफ सेम डिनोमिनेशन, तब क्या होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये जब लिख रहा है तो इक्विटी शेयर, ऐसा जब लिख रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया कि कैसे करके किया जाता है। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप है और सभी सेम डिनोमिनेशन के है। ठीक है, ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है कैसे निकालना है, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को बैलेंस शीट देख के पता चल जाएगा। नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ये कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो अभी जो भी लिख पा रहे लिखते जाओ। नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसमें दो अप्रोच होता है, ठीक है। नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इसका कैलकुलेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है एसेट अप्रोच, एक होता है लाइबिलिटी अप्रोच, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है ये दो तरीके से पॉसिबल है, एक होता है एसेट अप्रोच, ठीक है, दूसरा होता है लाइबिलिटी अप्रोच, ठीक है। अब कब कौन सा यूज करना है डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा इंफॉर्मेशन, अगर एसेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो एसेट अप्रोच करो, अगर लाइबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो लाइबिलिटी अप्रोच करो। तो पहले हम बताते हैं एसेट अप्रोच में हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है। एसेट अप्रोच में सबसे पहले यहां पर लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे एट प्रेजेंट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर नेक्स्ट लिखेंगे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट एट प्रेजेंट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, फिर हो जाएगा फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग गुडविल, यहां पर गुडविल भी आएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग गुडविल, क्योंकि गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है। एक्चुअली जब गुडविल का वैल्यूएशन होता है तब कभी गुडविल रहे तो उसे लेना नहीं पड़ता है, उतना जो है लेंदी क्वेश्चन है नहीं तुम लोगों का, तो जो भी था वो मैंने करवा दिया, ठीक है। लेकिन जब गुडविल का वैल्यूएशन होता है बहुत लेंदी क्वेश्चन और ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होता है तो गुडविल नहीं लिया जाता है, क्योंकि गुडविल का ही वैल्यूएशन करना है तो गुडविल को क्यों टेक करे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, इंटेंजिबल एसेट जब कैलकुलेट होगा तो सिर्फ इंटेंजिबल लिखने से ही होता, लेकिन उसमें गुडविल एक्सक्लूड रहता है ना, तो यहाँ पर इस चीज को हम जो है मतलब इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल भी यहाँ पर आएगा इंटेंजिबल एसेट में, क्योंकि ये तो शेयर का वैल्यू हो रहा है, एट करेंट कॉस्ट और वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लिखेंगे एट करेंट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा हम लोगों ने, फिक्स्ड एसेट का ही अलग अलग लिखा, फिक्स्ड टेंजिबल, फिक्स्ड इनटेंजिबल, और इसके अलावा मतलब फिक्स्ड एसेट्स के अलावा अगर कोई नॉन करेंट एसेट है या फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये सारी चीजों को हमें मार्केट वैल्यू या करेंट कॉस्ट जो भी अवेलेबल रहेगा उसमें लेना पड़ेगा, फिर वो सबका टोटल हम लोग क्या करेंगे यहाँ आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर करेंट एसेट लेना है, करेंट एसेट कौन से वैल्यू में लेना है, एट करेंट मार्केट वैल्यू, अगर हमारे पास मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो उसी पे लेना है, एट करेंट मार्केट वैल्यू। करेंट एसेट में क्या क्या आ सकता है उसका भी एक जो है छोटा मोटा लिस्ट लिख लेते हैं, जैसे कि स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज, ठीक है, और क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमेशा बुक वैल्यू पे आता है क्योंकि इसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस अगर कुछ है तो ये सब देखो करेंट एसेट का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये सब आ गया, फोर आइटम्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, ये सबका टोटल आउटर कॉलम में चला गया, ठीक है, मतलब
बेसिकली टोटल एसेट निकल के आ गया, ठीक है। ये सब टोटल करने से क्या निकल के आ गया, टोटल एसेट, क्योंकि टोटल एसेट ही तो आएगा ना, करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट को अगर हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल एसेट ही निकल के आ गया। इस तरीके से हमें टोटल एसेट करना है, लेकिन फिर इसको ऐसे दिखाने का क्या जरूरत, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें बुक वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ होता है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो बुक वैल्यू दिख रहा है 1 लाख, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू दिख रहा है मान लो 1,20,000, तो हमें 1,20,000 लेना है, इसीलिए ये वाला चीज मैंने लिखवा दिया। तो ये क्या हो गया, टोटल एसेट। अब इससे क्या माइनस करेंगे, इससे हम लोग लाइबिलिटीज माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, लेस करेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है तो वो भी हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये सब का यहाँ पर आउटर में आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये सब माइनस में रहेगा तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा। फिर इसके साथ ये टोटल एसेट के साथ जब हम लोग ये माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा नेट एसेट ऑफ कंपनी, नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा नेट एसेट ऑफ कंपनी, इसे हम लोग बोलते हैं एसेट अप्रोच। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। देखो नेट एसेट ऑफ कंपनी मतलब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक बार तुम लोग जस्ट एक बार सोचो ऐसे, यहाँ पर हम लोग का फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का करेंट एसेट है, ये सारी चीजों का टोटल करके हम लोगों को मिल चुका है टोटल एसेट। इससे हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो यहाँ पर रिकॉर्डेड नहीं है, वो सारी चीजों को माइनस कर रहे हैं, तो बच क्या रहा है, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल बच रहा है। अब इसमें क्या क्या रह सकता है, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों रह सकता है, एक भी रह सकता है, डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास प्रेफरेंस अवेलेबल है तो वो हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अगर किसी तरह का क्लेम है तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद जो बचेगा इसको हम लोग लिखेंगे नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल एसेट्स का फाइंड आउट करना था, तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर हटा दिया, तो ये वाला हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा, और ये जो क्लेम है इसका एक नोट लिख लो, ये लिख लेते हैं यहां पर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट करेंट एसेट if they are not participating in surplus asset, participating preference shareholder होते थे ना, तो वही बोल रहा है कि surplus asset पे उनका participation रहता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो preference shareholders claim should be deducted from net current asset। ठीक है, तो net current asset से हम लोग उसको deduct कर देंगे अगर वो participating नहीं है। ठीक है, तो ये point आएगा तो हम लोग discuss कर लेंगे, फिलहाल तो लिख लो। और यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड, अच्छा क्लेम कैसे फाइंड आउट करना है, क्लेम कैसे फाइंड आउट करोगे, टू फाइंड आउट क्लेम for preference shareholder we should add arrear preference dividend along with प्रेफरेंशियल कैपिटल। मतलब ये क्लेम का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस अगर कोई डिविडेंड इनका एरियर रखा गया है तो ये टोटल मिलकर इनका क्लेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एसेट अप्रोच से ये कैलकुलेट कर सकते हैं नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या है। अब हम लोग कौन सा वाला अप्रोच देखेंगे, लाइबिलिटी अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं लाइबिलिटी अप्रोच।
देखो लाइबिलिटी अप्रोच से कैसे होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ठीक है जो हमारे पास अवेलेबल रहेगा बैलेंस शीट में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब लाइबिलिटी साइड का आइटम। देखो रिजर्व एंड सरप्लस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन, अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन एसेट एंड लाइबिलिटीज, ये सब टोटल, फिर लेस करेंगे फिक्टिशियस एसेट ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर वैल्यूएशन, तो यहां पर कैलकुलेट होके आएगा नेट एसेट ऑफ कंपनी, लेस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम, क्लेम यहां पर भी वही रहेगा, तो कैलकुलेट होके आएगा नेट एसेट अवेलेबल फॉर, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ठीक है। अभी एक बार लिखो, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा एक एक पॉइंट ठीक है। अच्छा अब ये तो पॉसिबल है जब हम लोग का सारा शेयर्स फुल्ली पेड अप है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा था इफ ऑल इक्विटी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप एंड सेम डिनोमिनेशन तब ये पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सारा शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तब हमें क्या करना है, तो इसके लिए देखो पॉइंट बी कैसे, पॉइंट बी के हिसाब से मतलब ये देखो ये पॉइंट ए था, इसके बाद हम लिखते हैं पॉइंट बी, पॉइंट ए में इतना सारा पॉइंट था ठीक है, अब पॉइंट बी लिखते हैं, पॉइंट बी में लिखेंगे इफ फ्यू शेयर्स आर, इफ फ्यू पार्टली पेड अप एंड एंड रिमेनिंग फुल्ली पेड अप, कुछ पार्टली पेड अप है कुछ फुल्ली पेड अप है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग ऑप्शन ए लिखेंगे वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, जो शेयर्स फुल्ली पेड अप है उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसका वैल्यूएशन हो जाएगा नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया होगा नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया होगा, आइदर एसेट अप्रोच या फिर लाइबिलिटी अप्रोच से हम लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर प्लस करेंगे यहां पर प्लस, प्लस हो जाएगा नोशनल कॉल मनी, नोशनल कॉल मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ठीक है। अच्छा यहां पर लिखते हैं नोशनल कॉल मनी का क्या होता है, मतलब नोशनल कॉल मनी का मतलब जो पैसे मंगाए गए हैं पार्टली पेड अप शेयर्स पे, नंबर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप shares into uncalled call, uncalled call money per share, call money per share ठीक है, ये हो जाएगा notional call money। अच्छा और partly paid up share का valuation कैसे करेंगे, partly paid up share shares value equal to value of fully paid up share, value of fully paid up shares minus uncalled call money per share, uncalled
कॉल मनी पर शेयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, ये हो गया। अब सी, अप्रोच सी, ठीक है। मतलब ये देखो, पहले हम लोगों ने किया कि अगर सारे शेयर्स जो है फुल्ली पेड अप है, सेम डिनोमिनेशन के है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर शेयर्स कुछ पार्टली पेड अप है, कुछ फुल्ली पेड अप है। अब डिनोमिनेशन भी देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ एंटायर शेयर्स आर, इफ एंटायर शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप बट ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, एंटायर शेयर्स जो है फुल्ली पेड अप तो है बट इनका डिनोमिनेशन अलग अलग है, तब कैसे वैल्यू होता है। यहां पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ रूपी वन शेयर कैपिटल इक्वल टू नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप वैल्यू कैपिटल ऑफ कंपनी, कैपिटल ऑफ कंपनी। थोड़ा सा लिखो, ठीक है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। अजीब लग रहा होगा कि हम लोग इतना कुछ लिख रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे। अभी ये जब तक लिखना कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक कोई भी क्वेश्चन करोगे कुछ ना कुछ फिर उसमें प्रॉब्लम निकल के ही आएगा। तो ये पूरा लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ से हम लोग जो है हेल्प ले लेके कर पाएंगे और इसका तुम लोग को समझ में भी आ जाएगा कि इसका यूज क्या है, ठीक है। तो इफ द एंटायर, मैंने स्पेलिंग क्या लिख दिया, इफ द एंटायर। अच्छा नेक्स्ट, इसमें वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू, वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ रूपी वन शेयर इंटू एक्चुअल पेड अप, इंटू एक्चुअल पेड अप वैल्यू पर शेयर। नेक्स्ट लिखेंगे, ये मेथड हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये पहला मेथड जो था एसेट बैकिंग मेथड, या फिर इसका और एक नाम क्या देखा हम लोगों ने, एसेट बैकिंग इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर बुक वैल्यू मेथड, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अर्निंग कैपेसिटी मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, या फिर इसका और एक नाम है यील्ड, यील्ड वैल्यू मेथड, यील्ड वैल्यू मेथड, या फिर और एक नाम है मार्केट वैल्यू मेथड, मार्केट वैल्यू मेथड, ठीक है। इस मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये इतना ही लिखते हैं, इसमें और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, ठीक है। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो दिखा देते हैं। देखो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ईपीएस, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हम लोग लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर यहां पर हो जाएगा लेस ट्रांसफर टू रिजर्व फंड
फिर जो आंसर आएगा इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये कैलकुलेट हो गया। तो ईपीएस कितना होगा? ईपीएस इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होल डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर्स कैपिटल ऑफ कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इनटू 100, इनटू 100। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इनटू 100। अच्छा, ये हम लोग का हो गया सेकेंड मेथड। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट मेथड है हम लोग का, ये था हम लोग का सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड है बेसिस ऑफ डिविडेंड, मतलब इसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड। अच्छा, इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा? वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू, वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अच्छा, और ये कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ये कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका ऐसे होगा, देखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ पास्ट ईयर, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ पास्ट ईयर। ठीक है, पास्ट ईयर के डिविडेंड का एवरेज करने का मतलब ही हो जाता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अब ये एवरेज रेट कैसे करना है? एवरेज रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाई सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, बाई सिंपल और वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, अब कौन सा लेना है? जैसे अगर कोई ट्रेंड दिखता है तो वेटेड एवरेज होना चाहिए, अगर ट्रेंड नहीं दिख रहा है तो सिंपल एवरेज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टार देके लिखो, इफ रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ पास्ट ईयर इज नॉट गिवेन, जिसका हम एवरेज करने बोल रहे थे, लेकिन अगर वो डिविडेंड पास्ट ईयर का गिवेन ही नहीं है, पास्ट ईयर इज नॉट गिवेन, इन सच केस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, इसी को ट्रीट करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अच्छा, अब डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिविडेंड पर शेयर, यानी जिसको बोलते हैं डीपीएस, डीपीएस इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर
प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया। अच्छा, और हम लोग को लास्ट एक मेथड है जो कि सबसे आसान है, फेयर वैल्यू मेथड, लास्ट मेथड, इसको हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं, फेयर वैल्यू मेथड, ये यहाँ पर ही हो जाएगा, इतना छोटा है ये वाला, फेयर वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है, फेयर वैल्यू मेथड में कैसे शेयर्स का वैल्यूएशन होता है, वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू वैल्यू, मेरे चार नंबर है, चार नंबर है, वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू, ठीक है, मतलब मेथड टू और थ्री से जो आंसर आया उसका एवरेज कर लेना है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से जो शेयर का वैल्यू आया और यील्ड मेथड से जो वैल्यू आया उसका जब एवरेज कर लोगे तब आ जाता है फेयर वैल्यू मेथड। मतलब बेसिकली फेयर वैल्यू अगर करना है तो इंट्रिंसिक और यील्ड वैल्यू दोनों से ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी मैंने ओवरऑल काफी ज्यादा ही लिखवा दिया है, लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ पॉइंट जरूरत होगा तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कैसा क्वेश्चन अवेलेबल है। जैसे ये इलस्ट्रेशन 10 वाला देखो, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। जैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रहा है तो दिमाग में हमारा आ जाना चाहिए कौन सा मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का मतलब ये पहला वाला, ये देखो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ठीक है, हम लोग को बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अंकित लिमिटेड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड क्या क्या है, 10,000 कितने तरह का इनका इक्विटी शेयर है, ए बी सी, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर है। इसीलिए अगर तुम लोग देखोगे मैंने यहाँ पर लिखवाया था, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था, इफ ऑल इक्विटी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप एंड ऑफ सेम डिनोमिनेशन, ऑल मतलब ये देखो अलग अलग टाइप्स के इक्विटी शेयर है ना, इसीलिए ऑल, ये देखो टाइप ए है एक, ठीक है, क्वेश्चन समझना एक बार जरूरी है, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, टाइप बी, ठीक है, टाइप सी, और क्या है टाइप, अच्छा तीन ही है, टाइप सी, ठीक है, तीन तरह का हम लोग का इक्विटी शेयर होल्डर है, और सभी देखो 1 लाख है, लेकिन सभी का जो है नॉमिनल वैल्यू 10 है, लेकिन पेड अप वैल्यू अलग अलग है, ये फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 रुपीज ही मिल चुका है 1 लाख शेयर्स पे, यहाँ पर 8 रुपीज पेड अप है, मतलब 2 अभी भी बाकी है, यहाँ पर 10 में 5 रुपीज पेड अप है, यानी 5 अभी भी बाकी है, रिटेन्ड अर्निंग यानी कि रिजर्व जो है वो 9 लाख है, ठीक है, इतना सा हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है, हम लोग को बोला है कि कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करके देना है, शेयर का वैल्यू कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग कौन सा मेथड लगाए, अब देखो यहाँ पर हम लोगों को इक्विटी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप एंड ऑफ सेम डिनोमिनेशन, जो कि इसमें है नहीं, सबका डिनोमिनेशन क्या है अलग अलग है ना, कोई 8 पेड अप है, कोई 5 पेड अप है, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को ये वाला मेथड लेना पड़ेगा, ये देखो ये वाला, इफ फ्यू शेयर्स आर पार्टली पेड अप एंड रिमेनिंग फुल्ली पेड अप, ये कंडीशन आ रहा है हमारा, ठीक है, ये वाला अगर कंडीशन आता है मतलब ये उसी मेथड में बी पोर्शन में अगर हम लोग चले जाते हैं तो फिर कैसे वैल्यू करना पड़ेगा, फुल्ली पेडअप का इस तरह से वैल्यू होगा, पार्टली पेडअप का इस तरह से वैल्यू होगा, पहले जो भी लिखा है उसको समझ लेते हैं। देखो मैंने पहला मेथड क्या लिखा है, पहला मेथड मैंने लिखवा दिया है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इसी मेथड से हमें शेयर का वैल्यू करना है, लेकिन हमारा ये वाला पॉइंट नहीं एप्लीकेबल हो रहा है कि सारे इक्विटी शेयर फुल्ली पेडअप है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही एक तरह का सिर्फ टाइप ए वाला फुल्ली पेडअप है, बाकी फुल्ली पेडअप नहीं है, इसका मतलब हम लोग ये वाले कैटेगरी में नहीं आ रहे, हम लोग बी वाले कैटेगरी में पहुंच गए, बी वाला कैटेगरी क्या है, देखो बी वाले में बोल रखा है फ्यू शेयर्स पार्टली पेड अप एंड रिमेनिंग फुल्ली पेड अप, हम लोग का ये अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, फ्यू शेयर्स पार्टली पेड अप एंड फ्यू फुल्ली पेड अप, ये वाला अप्रोच है, इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो इसके बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप शेयर्स का वैल्यू ऐसे निकालो, पार्टली पेड अप शेयर्स का वैल्यू ऐसे निकालो, ये इसके अंदर दो पार्ट है, ठीक है,
ये इसके अंदर दो पार्ट है, अगर हमारे पास ऐसे शेयर्स का डिटेल्स दिया हुआ है जहां पर कुछ फुल्ली पेडअप है कुछ पार्टली पेडअप है, तो फुल्ली पेडअप का वैल्यू ऐसे निकालो, पार्टली पेडअप का वैल्यू ऐसे निकालो। अब देखते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। तो फुल्ली पेडअप का वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर प्लस नोशनल कॉल मनी। नोशनल कॉल का मतलब है जो भी पार्टली पेडअप शेयर है, नंबर ऑफ पार्टली पेडअप शेयर इंटू अनकॉल्ड मनी पर शेयर, मतलब जो भी जिनसे मिलने वाला है अमाउंट उतना जब हम लोग कॉल करते हैं इसे बोलते हैं नोशनल कॉल, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे नोशनल कॉल। एक्चुअली पैसा मंगाया नहीं जा रहा है, नोशनल मतलब क्या, अगर मंगाते तो कितना होता, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नोशनल कॉल। तो इसे नोशनल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग पैसा मंगाते हैं तो कितना मंगा लेंगे, मंगाने से हम लोगों का नोशनल कॉल मनी कितना हो जाएगा, तो पहले ये चेक करेंगे नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो रहा है, नोशनल कॉल मनी करेंगे, फिर इसका ऐड करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। और पार्टली पेडअप का कैसे आंसर निकालेंगे, फुल्ली पेडअप शेयर का जो वैल्यू निकल के आया माइनस अनकॉल्ड मनी पर शेयर। तो इतना कुछ जस्ट बोलने से तो नहीं समझ में आएगा, अभी हमें करके देखना चाहिए। पहले इतना समझ लो कि हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। हम लोग को बता दिया इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड वो करेंगे, लेकिन उसमें ए वाला फॉलो नहीं होगा जहां पर सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप और सेम डिनोमिनेशन के हैं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसको फॉलो करने के लिए भी तो हमें ये चाहिए नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए दो अप्रोच होता है, ठीक है। एक होता है हम लोग का एसेट अप्रोच, ठीक है, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एसेट अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच। अब हमें कौन सा जो है अप्रोच लेना चाहिए, देखो हमारे पास क्या है, लाइबिलिटी साइड का डिटेल्स है, एसेट साइड का डिटेल्स नहीं है। तो इसके लिए देखो लायबिलिटी साइड का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर का इंफॉर्मेशन है, रिटेन्ड अर्निंग यानी कि रिजर्व सरप्लस है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को लाइबिलिटी अप्रोच लेना पड़ेगा। लाइबिलिटी अप्रोच में एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकाला जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लो, प्रेफरेंस शेयर इस क्वेश्चन में नहीं है, रिजर्व सरप्लस है लिख लो, रिवैल्यूएशन इस क्वेश्चन में नहीं है, फिक्टिशियस एसेट इस क्वेश्चन में नहीं है, गुडविल इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इस क्वेश्चन में नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ये दोनों को सीधा ऐड करोगे तो नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा। मैंने बोला था ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उतना भी नहीं रहेगा, फिर भी मैंने एक बार लिखवा दिया, अगर कभी भी हो तो तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जैसे किया हम एक बार करके बता देंगे, एक बार यहाँ से दिखाते हैं। ये देखो नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे कैलकुलेट होगा, सारे इक्विटी शेयर कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया गया, 1,10,000, 1,08,000, मतलब जो पेड अप है, ठीक है, 1,08,000, क्योंकि जो अनपेड है उसको तो नोशनल कॉल के थ्रू से कॉल करना है, 1,05,000, ठीक है, और रिटेंड अर्निंग 9,00,000, ये सब का टोटल कर लेना है। टोटल करने से आता है नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन उसमें हमें नोशनल कॉल को भी ऐड करना है। तो 1,00,000 पे कितना कॉल करेंगे, 2,08,000 किया पेड है तो 2 बाकी है क्योंकि 10 रुपीज का है, 5 में 5 और कॉल करना पड़ेगा, 5 रुपीज, तो नोशनल कॉल हो गया। अब ये 32,00,000 और 7,00,000 को हमें कर लेना है ऐड, जिससे 39,00,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि है 3,00,000। ये देखो 3,00,000, तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकल के आ गया, ये आ गया। अब इससे हमें पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप का कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा इतना सारा लिख के हम लोगों ने क्या बेनिफिट किया, ठीक है। अब इससे हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम ये कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अच्छा मेरा ये जैम बोर्ड खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो ऐसे लिख के करोगे ना तो कभी भी समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो किया, ये वाला, फ्यू शेयर्स आर पार्टली पेड अप एंड रिमेनिंग फुल्ली पेड अप। क्वेश्चन नंबर है 10, इलास्ट्रेशन 10, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स व्हेन फ्यू shares are fully paid up and few are partly paid up. ठीक है, ये कैटेगरी पे हमें वैल्यूएशन करना है, ठीक है, शेयर का वैल्यूएशन इस कैटेगरी पे करेंगे तो क्या कैसे करके कैलकुलेट होगा, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फुल्ली
पेड अप शेयर्स इक्वल टू नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर प्लस नोशनल कॉल मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, देखो जितना एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर है डिवाइडेड बाय जितने सारे शेयर्स होल्डर है। जैसे मान लो अगर कंपनी के लिए इक्विटी शेयर होल्डर के लिए एसेट 100 रुपीज का, इक्विटी शेयर 10 है तो एक एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया होगा ना, वही वाला चीज है। नोशनल कॉल को क्यों ऐड कर रहे, क्योंकि हम लोग टोटल एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये तो हमें मिला नहीं है लेकिन फ्यूचर में तो मिलेगा ना, तो इसीलिए इसे ऐड किया जाता है। तो उसका लॉजिक इसीलिए यहाँ पर इस तरह से है। तो अब हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इस पे हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है एसेट अप्रोच, एक होता है लाइबिलिटी अप्रोच। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब मैंने जैसे बोला था कि डिपेंड करेगा कि तुम लोगों के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो हम लोग लाइबिलिटी अप्रोच लेंगे। लाइबिलिटी अप्रोच कैसे जो है परफॉर्म होता है, लाइबिलिटी अप्रोच में लाइबिलिटी साइड का ये सारा डिटेल्स लिख लो। कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसे माइनस कर देना है, ठीक है, वो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अगर गुडविल है तो उसे ऐड होगा। देखो नॉर्मली हम क्या करें, लाइबिलिटी साइड का सारा टोटल करेंगे, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये तीन चीज। अगर कोई रिवैल्यूएशन हो रहा है प्रॉफिट या लॉस से वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पर ऐड बैक करना पड़ेगा। फिर फिक्टिशियस एसेट लेस होगा, गुडविल का वैल्यूएशन अगर कुछ है तो वो करेंगे, नेट एसेट ऑफ कंपनी निकल के आएगा। अच्छा, अब उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम लेस कर देंगे। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ले लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये ले लो, ठीक है, जो रिजर्व सरप्लस है ये ले लो, मतलब ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, बेसिकली ये क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड हम लोगों ने ले लिया। अच्छा, अब यहां से कोई फिक्टिशियस एसेट अगर इधर था, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, वो हम लोगों को कर देना है माइनस। मतलब जो एसेट साइड में दिख रहा है लेकिन है नहीं एसेट, उसे बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस जब फॉर्मेशन होता है कोई कंपनी तब जो स्टार्टिंग का खर्चा होता है उसे बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसा और भी एग्जांपल है, या फिर मान लो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये सारी चीज तो लॉस है ना, डिस्काउंट दे रहे शेयर में, डिस्काउंट दे रहे डिवेंचर में, ये सब लॉस है, लेकिन इसे एसेट साइड में रखा जाता है बिकॉज ये मानना जाता है कि आज डिस्काउंट में शेयर इशू करे इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो ये सिर्फ एसेट साइड में दिखा देते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो वो शेयर होल्डर फंड से लेस करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट को यहां से लेस करो। अगर कोई गुडविल है तो उसे ऐड कर दो, ठीक है, कोई गुडविल है तो उसे ऐड कर दो, तब जो निकल के आएगा दैट इज नेट एसेट ऑफ कंपनी, वहां से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम माइनस कर दो तो कैलकुलेट होके आएगा नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बट हमारे इस क्वेश्चन में ना इतना कुछ है ही नहीं, हम लोग के पास है सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा, इसका वैल्यू कितना कितना है, 1 लाख × 10 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ टाइप ए 1 लाख × 10 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ टाइप बी 1 लाख × 8 और 1 लाख × 5 5 लाख। शेयर होल्डर्स फंड हमें पूरा लिखना है तो इसमें रिजर्व सरप्लस भी लिख देंगे, यहां पर दिया हुआ है रिटेन्ड अर्निंग, एक ही बात है, रिटेन्ड अर्निंग मतलब प्रॉफिट। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग मतलब प्रॉफिट जो कि रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है, 9 लाख। और कुछ है नहीं तो यहां पर हम लोग का आ जाएगा एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कितना निकल के आ रहा है, 5 लाख और 8 लाख, 13 लाख, 13 लाख और 9 लाख, कितना हो जाएगा, 22 लाख, 22 और 10 मतलब 32 हो रहा है, कि अच्छे करते हैं,
32 लाख हो गया। अब क्या निकालेंगे? नोशनल कॉल, नोशनल कॉल, नोशनल कॉल मनी, ऐसे लिख, नोशनल कॉल मनी। नोशनल कॉल मनी कितना हो जाएगा? 1 लाख टाइप बी पे 2 रुपीज, टाइप बी प्लस टाइप सी, इनका होगा नोशनल कॉल 1 लाख × 2 और 1 लाख × 5, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख। ठीक है, अच्छा यहां से हम लोग का आंसर आ ही जाएगा, 7 लाख हो गया। अच्छा इसका कैलकुलेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, जगह है 32 लाख और 7 लाख, यहाँ पर लिखते हैं 32 लाख प्लस 7 लाख, हाँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो है 3 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 39 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये रुपीज है, ठीक है, ये नंबर है, तो 550 कैंसिल आउट, मतलब ये हो गया रुपीज 13 पर शेयर, वैल्यू निकल के आ गया फुल्ली पेड अप शेयर। देखो फुल्ली पेड अप शेयर्स का वैल्यू निकल के आ गया 13, तो 13 रुपीज करके जो है फुल्ली पेड अप, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, मतलब ये कैटेगरी ए का वैल्यू निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ शेयर्स, इसी तरह से हमें लिखना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी शेयर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी शेयर्स, यहाँ पर लिखेंगे कैसे करके लिखा है, ए इक्विटी शेयर्स, हम लोग भी ऐसे ही लिख लेते हैं, ए इक्विटी शेयर्स, ए इक्विटी शेयर्स ₹10 फुल्ली पेड अप, जो कि ₹10 फुल्ली पेड अप था, यही एकमात्र शेयर था जो कि फुल्ली पेड अप था, ₹13, ठीक है, क्योंकि फुल्ली पेड अप का वैल्यू यही वाला हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, फुल्ली पेड अप का वैल्यू कैसे होगा, यही वाला होगा। और पार्टली पेड अप का कैसे निकालेंगे? फुल्ली पेड अप शेयर्स, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी कि जो 13 हुआ, माइनस अनकॉल्ड कॉल मनी पर शेयर, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये हो गया ए इक्विटी शेयर, बी इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर ₹8 पार्टली पेड अप, ₹8 पार्टली पेड अप, इसका इंट्रेंसिक वैल्यू कितना हो जाएगा? ₹13 जो फुल्ली पेड अप वैल्यू है, माइनस ये देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, जो कि निकल के आया हम लोग का ये वाला 13, माइनस अनकॉल्ड कॉल मनी पर शेयर, इस शेयर पे जो कॉल मनी हम लोगों ने नहीं किया है अब तक, मैंने बोला ना ये सचमुच का कॉल नहीं हो रहा है, ये नोशनल कॉल है, मतलब मान के चल रहे अगर कॉल करते तो टोटल कितना होता, तो ₹2 माइनस कर देंगे, तो 13 से 2 माइनस होने से कितना हो जाएगा, 11, ठीक है, 11 हो जाएगा, चेक करते हैं सही हुआ है कि नहीं, हाँ 11 हो जाएगा, ठीक है, बी इक्विटी शेयर, और सी इक्विटी शेयर्स जो कि ₹5 पार्टली पेड अप है, इसका वैल्यू हो जाएगा वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स माइनस पार्टली पेड अप वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है, तो 5 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, नहीं 6 होने से तो 11 हो गया, 8 हो, ठीक है, ये देख लेते हैं 8 आंसर आया है कि नहीं, ये देखो 8 आंसर आया है, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट होगा, हमें मैंने जितना सारा चीज लिखवाया है, शायद सारा चीज हमें ना जरूरत हो, बट एक ओवरऑल जो है कंसेप्ट नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने लिखवा दिया, तो क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन आसान रहेगा, उतना कुछ टफ नहीं है, तो 10th वाला हो गया, ठीक है। 9th वाला एक थियोरिटिकल है जो कि AS 26 पे डिपेंड करता है, तो जब AS 26 करेंगे तब बता देते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 भी वही है, AS पे डिपेंड करता है, और ये है, देखते हैं कौन सा वाला इलस्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं, 7 भी वही है,
ये वाला कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन 5 ये वाला हो जाएगा, मतलब अभी हम लोगों ने जो भी सीखा है उससे हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 5 देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सब थ्री कंपनी, तीन कंपनी है पी क्यू आर लिमिटेड, एसर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करो, टर्म्स एंड कंडीशन आर एज फॉलोस, ठीक है यहाँ पर गुडविल आ गया, टर्म्स एंड कंडीशन आर एज फॉलोस, एसेट आर टू बी रिवैल्यूड, एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years, अच्छा गुडविल, अच्छा गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, 4 years परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ 3 years, मतलब गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल निकलेगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि बोला है यहाँ पर कितना 4 years, ठीक है। अच्छा सच एवरेज इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट, इनकम टैक्सेस इग्नोर्ड, बोल रहा है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे ना उसको कैलकुलेट करने के पहले हम लोग को बोल रहा है डिप्रिशिएशन का एडजस्टमेंट कर देना है 10% बेसिस पे, अगर रिवैल्यूएशन जो कि पॉइंट वन में बोला है एसेट रिवैल्यूड हुआ है, एसेट रिवैल्यूड होने के वजह से डिप्रिशिएट, जैसे मान लो पहले एक एसेट था 1 lakh का, अब वो एसेट हो गया है 1,20,000 का, तो 20,000 पे एक्स्ट्रा डिप्रिशिएशन लगेगा, और अगर पहले 1,20,000 का था फिर 1 lakh हो गया तो फिर 20,000 का डिप्रिशिएशन कम कर देना है, तो बोल रहे 10% बेसिस पे जो भी डिप्रिशिएशन ऐड होगा कि लेस होगा वो सारी चीजों को हमें कर लेना है, इनकम टैक्स का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाना है, इनकम टैक्स इज टू बी इग्नोर्ड, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज टू बी टेकन 10%, नॉर्मल प्रॉफिट पता होगा ना तभी ना सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का रिटर्न दे दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड बीइंग कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेट रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ टेंजिबल एसेट, ठीक है कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करना है, नेट रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ टेंजिबल एसेट पे कैलकुलेट करना है, यहां पर समराइज्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है तीनों कंपनी का, इक्विटी शेयर्स रिजर्व 10% डिवेंचर एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर गुडविल ये हो गया हम लोग का लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड का टोटल 44, 36, 24, यहाँ भी देखो एसेट का 44, 36, 24, ठीक है एसेट में क्या क्या है, इसका गुडविल नहीं है, इसमें गुडविल है, इसमें गुडविल नहीं है, नेट टेंजिबल ब्लॉक मतलब टेंजिबल एसेट का ब्लॉक वैल्यू, ब्लॉक मतलब ओवरऑल मतलब जितने सारे टेंजिबल एसेट है, करेंट एसेट, ठीक है ये करेंट एसेट दे दिया है, ये दे दिया हम लोग को तीन कंपनी का अलग अलग बैलेंस शीट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, रिवैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल ब्लॉक, ये जो रिवैल्यूएशन बोला है ना पॉइंट वन में, ये देखो ना पॉइंट वन में हमें बोला है ना कि रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट का, तो चेक करो रिवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, टेंजिबल ब्लॉक 32 lakh का था पी कंपनी का, वही टेंजिबल ब्लॉक 40 lakh का हो चुका है, मतलब रिवैल्यूएशन 8 lakh से एसेट का वैल्यू बढ़ चुका है, ये 24 lakh था ये 20 हो गया, मतलब 4 lakh से कम हो गया, ठीक है यहाँ पर 20 lakh था ये 24 lakh हो गया, मतलब 4 lakh से इंक्रीज, तो इसमें इंक्रीज इसमें डिक्रीज इसमें इंक्रीज रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब कितना पूछे तो इसमें 8 lakh का इंक्रीज, इसमें 4 lakh का डिक्रीज, इसमें 4 lakh का इंक्रीज, ठीक है ये तो दिख ही रहा है, 20 और 24 माइनस करो यहाँ पर 20 और 24, रिवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट भी रिवैल्यूड हुआ है, अच्छा 12 लाख 14 लाख हो गया है, 10 लाख 5 लाख 60 हो गया है, 4 लाख 3 लाख 20 हो गया है, इसमें इंक्रीज बाकी दोनों में ही डिक्रीज हो गया है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर 3 years बिफोर चार्जिंग डिवेंचर इंटरेस्ट, यहाँ पर एवरेज एनुअल प्रॉफिट भी हमें दे रखा है, ठीक है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि तीनों कंपनी का एवरेज प्रॉफिट क्या है, क्योंकि हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है पता है, हम लोग को कैलकुलेट करना है गुडविल, कौन से बेसिस पे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस पे कैलकुलेट करना है, ये तो गिवन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है 4 years, ठीक है सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तब ना सुपर प्रॉफिट मिलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसको कैसे एडॉप्ट करना है उसके बारे में भी हमें बोला गया है, तो उसी तरह से करेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जो है नॉर्मल रिटर्न को यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तीन कॉलम बना लेंगे, ठीक है तीनों कंपनी के लिए, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड और आर लिमिटेड। देखो यहां पर
एवरेज प्रॉफिट कैसे लेने के लिए बोला है, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड बीइंग कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेट रिवैल्यू। अच्छा कहां पर तो बोला था एवरेज प्रॉफिट कैसे लेना है, गुडविल का ऐसे वैल्यूएशन होगा, सच एवरेज इज कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डिप्रिशिएशन ऑन 10% अमाउंट ऑफ डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन जो हो रहा है उसका इंपैक्ट हमें प्रॉफिट पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट किस हिसाब से दिया हुआ था, बिफोर चार्जिंग डिवेंचर इंटरेस्ट। तो ये जो है इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं देके ही पहले जो है प्रॉफिट दिया हुआ है, तो फिर ये तो प्रॉफिट रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि डिवेंचर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है। अगर हम लोगों ने इसमें से ये पे नहीं किया है तो ये प्रॉफिट गलत दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट खुद ब खुद हमें लेस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमें नहीं बोलेगा, इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है ना, तो ईबीआईटी से जब हम लोग वैल्युएशन करेंगे ईबीआईटी से इंटरेस्ट लेस करते हैं ना वैसे ही, तो यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे। तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट यहां पर लिखते हैं बिफोर चार्जिंग डिवेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, ये कितना है 720576। इसमें से लेस करेंगे सबसे पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट। अच्छा, डिवेंचर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेक करो कितना कितना डिवेंचर था, 10% 8 लाख है, ये सब इन लाख है, 8 लाख का 10% कितना होता है देख, 8 लाख का 10% 80,000 होगा, 80,000। तो पहले वाले केस में लेस हो जाएगा 80,000। ठीक है, फिर दूसरा वाला, इनका तो डिवेंचर है नहीं, इनका 4 लाख है। ठीक है, इनका डिवेंचर है नहीं, 4 लाख पे 10% यानी 40,000। अब हम लोग लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डिवेंचर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डिवेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 times 0 6,40,000। ये जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि इस पे कोई डिवेंचर है नहीं इन लोगों का, और ये हो जाएगा 2 लाख, कितना हो जाएगा 2,72,000 माइनस 40,000, 2,32,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेप्रिशिएशन को ऐड या लेस करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की रिवैल्यूएशन क्या हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड और लेस डेप्रिशिएशन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन होने पे जो एसेट का वैल्यू कम या ज्यादा हुआ उस पे हमें डेप्रिशिएशन का कैलकुलेशन करके देखना है। तो करंट एसेट पे लेकिन डेप्रिशिएशन नहीं लगता है तो उस पे मत लगाओ, जो फिक्स्ड एसेट है उस पे लगाना है। ठीक है, यानी कि टेंजिबल इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे ही होता है ना। तो 40 लाख से कितना हो गया, सॉरी 32 लाख से 40 लाख हो गया। ठीक है, 8 लाख जो है इसका वैल्यू जो है बढ़ गया है, तो 8 लाख पे 10% कितना होगा, 80,000। तो 80,000 डेप्रिशिएशन चार्ज एक्स्ट्रा होगा क्योंकि एसेट का वैल्यू बढ़ गया है, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे 80,000 को लेस कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे किया, यहां पर मैंने बताया ना ये 32 लाख था, ये 40 लाख हो गया, 8 लाख इंक्रीज हो गया, तो 8 लाख पे डिप्रिशिएशन लगाओगे 10% करके बोला 80,000। ठीक है, अच्छा यहां पर जो है 4 लाख से कम हो गया है, 4 लाख पे 10% 40,000 होता है, तो फिर 40,000 का डिप्रिशिएशन एड बैक कर देंगे, कम हो जाएगा 40,000 से डिप्रिशिएशन, और यहां पर 4 लाख पे 40,000 जो है लेस हो जाएगा क्योंकि एसेट का वैल्यू बढ़ा हुआ है। माइनस कर देते हैं ये प्लस जैसे जो होगा। अच्छा 6,40,000 माइनस 80,000 5,60,000। अच्छा 5,76,000 प्लस 40,000 6,16,000 2,32,000 माइनस 40,000 1,92,000। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कैलकुलेट होके आ गया हम लोग का, ये कैलकुलेट होके आ गया हम लोग का प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये क्या है, ये है प्रॉफिट ऑफ दैट फर्म्स। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये है एवरेज प्रॉफिट,
इन सारे फर्म का एवरेज प्रॉफिट है। यहां से क्या लेस करेंगे, यहां से लेस करना पड़ेगा हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देने पे क्या निकल के आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पर नॉर्मल रिटर्न दे रखा है 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बट कैपिटल एम्प्लॉयड हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये माइनस करने से क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, जैसे ही सुपर प्रॉफिट आ जाएगा फिर हम लोग क्या निकाल पाएंगे, गुडविल। गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 4। ठीक है, 4 करने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग अलग कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल इंप्लॉयड। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कैपिटल इंप्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना पैसा लगाया गया है, तो यहाँ पर देखो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर हम लोगों का किस तरह से कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड बीइंग कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेट रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ टेंजिबल एसेट, तो एसेट अप्रोच कर लेते हैं। बोल रहा है कि एसेट का जो रीवैल्यूड अमाउंट हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ठीक है हम लोग उसी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो हो जाएगा, पहले लिखेंगे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखेंगे, करंट एसेट। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पी क्यू आर तीनों कंपनी का रीवैल्यूड अमाउंट पे, ठीक है, 40 लाख, 20 लाख और 24 लाख। तो यहां पर लिख देते हैं 40 लाख इन लाख, 40 लाख, 20 लाख, 24 लाख, और करेंट एसेट जो है, करेंट एसेट जो है 14,560 और 3,20,000, 5,60,000 और 3,20,000, ये सब भी है इन लैख। टोटल करते हैं 54,25.6, 27.2। ठीक है, ये कैलकुलेट होके आ रहा है। फिर यहां से लेस कर देंगे, यहाँ पर ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी अप्रोच जरूर ले रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे करके निकालेंगे कि कैपिटल इंप्लॉयड कितना है। कैपिटल का मतलब कैसे निकाला जाता है, टोटल एसेट से अगर हम लोग आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो कैपिटल मिल जाएगा ना, तो टोटल एसेट तो निकाल लिया। कैसे, करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट बन गया टोटल एसेट, करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, ये हो गया टोटल एसेट रीवैल्यूड अमाउंट पे। ठीक है, लेस कर देंगे यहां से लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कौन सा लेस कर सकते हैं, चेक करो, इक्विटी, रिजर्व, ये तो नहीं, इक्विटी तो हमें फाइंड आउट करना है, कैपिटल का मतलब तो यही हुआ और रिजर्व इसी का पार्ट होता है, तो ये दो चीज हमें लेस करने को मिलेगा, डिबेंचर और एक हो जाता है क्रेडिटर। ठीक है, एक्सपेंसेस पता नहीं क्यों लिखा है, जो भी हो क्रेडिटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग डिबेंचर एंड क्रेडिटर, डिबेंचर एंड क्रेडिटर ये लेस होगा। टोटल करके लेस कर दें, डिवेंचर है 8 और क्रेडिटर है 8, यानी कि 16, टोटल करके लेस कर देते हैं, 16 लाख लेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 6 लाख और ये 4,4,8 लाख, यहाँ पर से 6 लाख और यहाँ पर 4,4,8 लाख लेस हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा कैपिटल कितना है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये कितना हो जाएगा, 54 माइनस 16, 38 लाख। ठीक है, यहाँ पर हो गया 25.6 माइनस 6। ठीक है, तुम लोग अगर पूरा लिखना चाहो पूरा लिखो इन लैक में, मैंने पॉइंट में लिखा है 27.2 माइनस 8, 19.2। ठीक है, ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, कैपिटल इंप्लॉयड। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, यहीं पर चेक कर लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10%, तो 38 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 3,80,000, मतलब 3.8। 19.2 का 10% ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.92। ठीक है, 1.92 हो जाएगा। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, 19.6 का 10%, 1.96। ये सबको लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आंसर मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 3.8, 3.8 का मतलब 3,80,000। इसको लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, यहां से हम लोग को मिला है। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, 5,60,000
माइनस 3,80,000 नॉर्मल प्रॉफिट इतना है जबकि इनका इतना है, तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट 1,80,000। अगर ये 4 साल के लिए इनको दिख रहा है तो इनका गुडविल हो गया 7,20,000, ठीक है 7,20,000। अच्छा अब ये वाला यहाँ पर हो रहा है 1.96 इंटू 1,00,000 1,96,000 यहाँ पर लिखते हैं 1,96,000 माइनस 616,000 तो ये हो गया 4,20,000 इंटू 4 16,80,000 ठीक है ये हो गया 16,80,000 6,16,000 माइनस 1,96,000 4,20,000 इंटू 4 करने से 16,80,000 ही होगा। अच्छा इसके बाद है 1,92,000 ही हो गया, मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रहे हैं, इनका कोई गुडविल है ही नहीं, ठीक है सुपर प्रॉफिट नहीं है तो गुडविल भी नहीं है, ठीक है इनका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इनका कोई गुडविल नहीं है, ठीक है ये जीरो आ गया। यहाँ पर ना अगर देखोगे थोड़ा सा गलत किया हुआ है, मतलब गलत कैलकुलेशन है, जैसे ये 7,20,000 ये 4,20,000 इंटू 4 जब किया है ये 6,800 कर दिया और यहाँ पर जो है कुछ गलत कर रखा है कैलकुलेशन और इससे 1,60,000 निकाल रखा है सुपर प्रॉफिट 40,000। बट मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इन्होंने 40,000 कैसे, हाँ एक चीज मुझे दिख रहा है इन्होंने क्या किया, इनके साथ मेरा डिफरेंस इसीलिए आया क्योंकि इन्होंने डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस किया नहीं है जबकि आर का भी तो डिबेंचर रहा, ठीक है अगर ये डिवेंचर नहीं लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 4,00,000 का डिवेंचर जो है, पता नहीं इन्होंने कुछ तो गड़बड़ किया होगा, अगर ये डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग का जो है इनके साथ आंसर टैली हो जाएगा। अब क्यों नहीं लेंगे, अगर उनका डिवेंचर नहीं है इनके जैसा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो 2,00,000 यहाँ पर 40,000 माइनस करने से यहाँ पर ही आ जाएगा 2,30,000 ये वाला, ठीक है 2,32,000 माइनस 1,92,000, ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 40,000 इंटू अगर हम लोग 4 करेंगे तो 1,60,000 ये गुडविल का वैल्यू आ सकता है लेकिन उसके ये तभी अगर उनका डिवेंचर नहीं होता है 4 तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल है नहीं। अब ये सही किया है इन्होंने या फिर देख लेते 12 + 4 + 4 + 4 24 नहीं, फिर डिवेंचर तो होना चाहिए नहीं तो कैसे आंसर यहाँ पर 24 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ ये लास्ट वाला गलत दिया हुआ है, हम लोग अपने हिसाब से जो कैलकुलेट किए हैं वो सही है लेकिन हाँ अगर यहाँ से डिवेंचर इनका भी नहीं होता ऑन दैट मोमेंट यहाँ गुडविल निकल के आता, लेकिन इनका जो सिचुएशन है इन नॉर्मल प्रॉफिट और जो ये सुपर प्रॉफिट है ये दोनों एक ही जैसा है, नॉर्मल प्रॉफिट ही ये कमा रहे एक्स्ट्रा कुछ नहीं कमा रहे तो इनका कोई गुडविल यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। अच्छा ये हम लोग का हो गया इलास्ट्रेशन 5। ये फोर्थ नंबर ये भी हम लोग कर सकते हैं, ये वाला बता रहे थे इलास्ट्रेशन 4। अच्छा इसमें देखो क्या बोला है, एक्स परचेज बिजनेस फ्रॉम वाई ऑन 30th June 2017, एक्स ने वाई से एक बिजनेस परचेस किया है 30th June 2017 को, प्रॉफिट अर्न्ड बाय वाई, ठीक है जो वाई जिसने अपना बिजनेस बेच दिया उनका प्रॉफिट था प्रीसीडिंग ईयर्स का, दिसंबर एवरी ईयर इनका अकाउंट क्लोज होता है 41,40,000 और 42,000 तीन साल का दिया हुआ है। इट वॉज एसर्टेन दैट प्रॉफिट ऑफ 2015 मतलब ये वाला इंक्लूड ए नॉन रिकरिंग आइटम 1500 बोल रहा है, इन्होंने जब ये प्रॉफिट अपना बताया तो इसमें एक नॉन रिकरिंग आइटम दे दिया, नॉन रिकरिंग आइटम हम लोग नहीं दे सकते, जैसे मान लो कि अचानक से कोई इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिल गया या फिर इंश्योरेंस क्लेम का नहीं वो तो हम लोग का दूसरा आइटम में हो जाए, नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं मिलने वाला, जैसे कि मान लो लॉटरी से पैसा मिल गया तो क्या लॉटरी से बार बार पैसा मिलता है, ये तो कोई बिजनेस एक्टिविटी है ही नहीं, तो नॉन रिकरिंग आइटम अगर जुड़ा हुआ है तो ये लेस करना पड़ेगा, ये गलत दिखा दिया। प्रॉफिट 2016 वाज रिड्यूस्ड बाय 2000 ड्यू टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट, बोल रहा है चोरी होने के वजह से जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हुआ उसके वजह से इन्होंने 2000 से प्रॉफिट कम करके दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, चोरी तो रोज रोज नहीं होगा, मेरा बिजनेस में मान लो पर मंथ 10,000 का इनकम
इनकम है। किसी एक मंथ में चोरी हो गया तो हम बोलेंगे मेरा मान लो 10,000 में से 2,000 रुपए चोरी हो गए प्रॉफिट के, तो हम बोलेंगे मेरा प्रॉफिट 8,000 है। नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा मेरा तो 10,000 ही प्रॉफिट है। हाँ, ये हम बता सकते हैं कि मेरा जो है चोरी होने की वजह से 2,000 लॉस हुआ, तो ये कोई डे टू डे का एक्टिविटी नहीं है। तो इसका मतलब प्रॉफिट अगर हम लोगों ने 8,000 बोला है गलत है, हमें 2,000 ऐड करके 10,000 बोलना चाहिए, तो ये रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या बोला है देखो, द एनुअल प्रीमियम 200 पर एनम एक्स एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द बिजनेस वॉज इम्प्लॉयड विद रमा ब्रदर्स एंड वॉज गेटिंग 500 पर मंथ। ही इंटेंड्स टू रिप्लेस द मैनेजर हु एट प्रेजेंट इज गेटिंग 350 पर मंथ। द गुडविल इज कैलकुलेटेड 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द बिजनेस। हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। एनुअल प्रीमियम है 200 पर एनम, मतलब इनके बिजनेस में किसी चीज का प्रीमियम भरना पड़ता है, इंश्योरेंस का होगा जो कि एनुअली 200 है, तो ये लेस कर देंगे। लेस किया हुआ नहीं है बोल के बोल रहा है। एक्स एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द बिजनेस, जब एक्स ने ये बिजनेस परचेज किया, उन्होंने इंप्लॉय किया है रमा ब्रदर्स को और वॉज गेटिंग 500 पर मंथ। He intends to replace the manager who at present is getting 350 per month. उन्होंने replacement कर दिया जो Y के manager थे, जो कि जिनको 350 per month मिल रहा था, उसके जगह जिनको replace करके लगाया उनको 500 per month दे रहे हैं। Goodwill को calculate करके दिखाना है। तो सबसे पहले average profit निकालने के लिए सारे profits को हमें rectify करना है और उसको ठीक भी करना है, ठीक है? तो पहले हम लोग calculate करते हैं, calculation of profit, ठीक है? यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन कौन से ईयर का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, 2014, 2015 और 2016, ठीक है? प्रॉफिट गिवन है, गिवन अमाउंट है हम लोग का 41, 40, 42। अब रेक्टिफाई क्या करना है, सबसे पहले बोला है 2015 में नॉन रिकरिंग आइटम इंक्लूडेड है, तो इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस नॉन रिकरिंग आइटम 2015 से लेस हो जाएगा। नॉन रिकरिंग आइटम कितने का है, यहाँ पर दिया हुआ है नॉन रिकरिंग आइटम ऑफ 1500, तो ये 1500 हम लोग का लेस हो जाएगा, यहाँ से 1500 लेस हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इन्होंने चोरी के लिए अपना प्रॉफिट कम करके बता रखा है 2016 का, तो इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इंपैक्ट नहीं दिया जाता है रेगुलर प्रॉफिट पे, ठीक है? तो 2000 ये 16 वाला है, तो 2000 यहाँ पर एड बैक करेंगे। अच्छा, इसके बाद टोटल प्रॉफिट चेक करते हैं, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। पहले एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, फिर टोटल प्रॉफिट आएगा, ठीक है? एडजस्टेड प्रॉफिट में हम लोग का कितना आ रहा है, ये तो 41,000 ही रहेगा, 41,000। दूसरा 1500 कम हो जाएगा, मतलब 38,500, और एंड में ऐड हो जाने वाला है 2000, मतलब 44, ठीक है? अब हम लोग निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 41,000 प्लस 38,500 प्लस 44,000, 41,000 प्लस 38,500 प्लस 44,000, 1,23,500। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, 3 साल का है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है 41,167 हो गया। अच्छा, अब इसमें हमें क्या एडजस्ट करना है, और भी एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे होगा, तो लेस करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या हम लोग इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते थे,
बिल्कुल कर सकते हो, मैंने ये दिखाया भी था, तुम लोग अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, माइनस माइनस 200 हर जगह से कर सकते हो, तो भी जो होगा एक साथ करोगे तो भी एक ही बात होगा। एक बार कर देते ना, एवरेज कर लिया, जो नॉर्मली हर साल एक ही जैसा पेमेंट है उसको हम लोग एक ही बार दिखा सकते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते थे, इंश्योरेंस प्रीमियम तीनों जगह पे लेस करके दिखा सकते थे, तो तुम लोग को डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट वो वाला मिल जाएगा जो हम लोग को यहाँ माइनस करने से मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सैलरी जो दे रहे हैं वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करके दिखाना पड़ेगा। सैलरी 500 करके 12 मंथ्स का, तो ये हो जाएगा 6000। और यहाँ पर ऐड कर देंगे सैलरी ऑफ मैनेजर, जो पहले के मैनेजर थे उनको तो नहीं देना पड़ रहा है ना, तो उनका सैलरी तो लेस करके ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उनका सैलरी ऐड कर दो, और जो नए वाले को दे रहे हैं उनका सैलरी लेस कर देंगे। अभी हमारा 350 पर मंथ करके सैलरी नहीं जाने वाला, तो वो ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 4200। ठीक है, और ये पे करेंगे तो ये लेस हो जाएगा। अब हम लोग एडजस्टमेंट कर चुके, अब लिखेंगे नेट एवरेज प्रॉफिट, देखते हैं कितना आता है। 41,167 माइनस 200 माइनस 6000 प्लस 4200 39,167। ठीक है, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, देख टू मल्टीप्लाई कर दो, 78,334। ठीक है, 78,334, एक बार चेक करते हैं आंसर टैली हुआ। हाँ, आंसर टैली हुआ है। ठीक है, देखो ये जो मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली किया, क्या इसको हम लोग एक साथ करते तो हमारा आंसर आता, बिल्कुल आता, तो कैसे करना पड़ता, ये देखो यहाँ पर 41,000 आया था, तो इसमें से लेस करना पड़ता 200, इसमें से लेस करना पड़ता 6000, इसमें से ऐड करना, इस पे ऐड करना पड़ता 4200। ठीक है, ये एडजस्टमेंट तो हर जगह पे एक ही होता ना, इक्वल अमाउंट है, ये कोई अलग अलग तो अमाउंट है नहीं, तो पहले ईयर का प्रॉफिट में ये डिफरेंस आता, ये देखो माइनस 6000 प्लस 4200, मतलब ये वैल्यू आ जाता 39,000। ठीक है, ये आता 39,000। नेक्स्ट वाला कितना आ जाता वो भी देख लो, ये एक्चुअली हो कितना रहा है, 4200 माइनस 6200 का इंपैक्ट हो रहा है, मतलब 2000 का इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, 38,500 से हमें कितना लेस करना पड़ता 2000, तो ये कितना आ जाता 36,500, और नेक्स्ट कितना आ जाता 44 से 2000 लेस कर दो 42,000 आ जाता, 2000 मतलब ये पूरा इंपैक्ट को हम टोटल करके बता रहे हैं, तो ये देखो 36,500 प्लस 39,000 प्लस 42,000, ठीक है, कितना हो गया 1,17,500 डिवाइडेड बाई 3 कर, ये देखो ये डायरेक्टली आ जाएगा 39,166, है ना, ये वाला 39,166.6 यानी 7 इनटू 2 करेंगे तो गुडविल भी निकल के आ जाएगा। एक ही बात है, जब सेम अमाउंट हर बार पेमेंट होता है तो उसे अलग अलग नहीं करके एवरेज से भी कर सकते हो, अगर लगता है कि ये मुझे नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, तो हर जगह से प्रॉफिट से लेस करो तो भी सेम ही आंसर आएगा, तो एवरेज डायरेक्टली ये नहीं कर, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उस केस में तुम लोग को ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन तीन जगह पे लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। तो ये हम लोग का हो गया इलास्ट्रेशन 4। ठीक है, इलास्ट्रेशन 4 हो गया, अब यहां से इलास्ट्रेशन 3 का ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसा है कि तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इलास्ट्रेशन 1 और 2, ठीक है, इलास्ट्रेशन 1 और 2 अगर तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो, इसमें आंसर तुम लोगों से हो जाएगा। ये रहा इलास्ट्रेशन 1, ये वाला हम होमवर्क बता देते हैं, इलास्ट्रेशन 1 और 2, बाकी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी बता देंगे हम, इलास्ट्रेशन 1 और इलास्ट्रेशन 2 आज जो हम लोगों ने सीखा उसके बेसिस पे है, ये सिर्फ चाहो तो होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।